आज आप क्या बनाओगे? पाव भाजी। वाओ, हम रेस्टोरेंट स्टाइल वाली पाव भाजी बना रहे हैं, तो आप भी बनाइए और ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कैसी लगी मेरी रेसिपी आपको। ओके मॉम, एंजॉय करिए। ओके, लेट्स गो मॉम, लेट्स गो। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स। सो हम ले रहे इधर 4 बिग टमाटोज जिसका कलर रेड रेड है। रेड रेड इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इससे कलर अच्छा आएगा पाव भाजी को। तो 2 टमाटर को बॉईल करके उसका प्यूरी बना लेंगे और बाकी 2 को फाइनली चॉप कर देंगे। सो नेक्स्ट इज द कश्मीरी रेड चिली का पेस्ट। 1 टीस्पून लिया है कश्मीरी चिली को। पहले बॉइल्ड वाटर में सोक कर लीजिए फॉर हाफ एन आवर और फिर इसका पेस्ट बना लीजिए। हाफ कप ग्रेटेड कैबेज लिया है, हाफ कप ग्रेटेड फ्लावर लिया है, एक बड़ा शिमला मिर्ची लिया है जिसको फाइनली चॉप कर देंगे, एक मीडियम साइज ऑनियन लिया है इसको भी फाइनली चॉप कर देंगे, फ्रेश मटर लिया है 1 कप। तो अभी ये कम तीखी मिर्ची है इसको भी फाइनली चॉप कर देंगे। ये छोटा टुकड़ा है बीट रूट का, इसको और पानी के साथ ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में और 1 कप इसका जूस निकाल देंगे। और हम ये क्यों यूज कर रहे हैं हम बाद में बताएंगे। 1 बिग साइज पोटैटो, दिस इज अ बॉइल्ड पोटैटो। सो ग्रेटेड गार्लिक 1 टेबलस्पून, ग्रेटेड जिंजर 1 टेबलस्पून। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। अभी हमने पैन लो फ्लेम पे रख दिया है। अभी हमारा पैन गर्म हो चुका है, हम 2 टेबलस्पून बटर डालते हैं। अभी बटर जलना ना जाए इसलिए हम इसमें ऑयल डालेंगे। मम्मा ये यूजफुल टिप है ना। हाँ, अभी थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, बारीक कटा हुआ प्याज, अभी हम इसको हल्का ब्राउन होने तक चलाएंगे। अभी हमारा ऑनियन हल्का ब्राउन हो चुका है, अभी हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। मैंने फ्लेम लो कर दी है, इसको अच्छे चलाते रहना है। अभी इसको थोड़ा ना मैसे रखें, पकने देंगे अच्छे से। 2 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं इसमें फूलगोभी फ्लावर डालूंगी। इसको कोई फूलगोभी बोलता है, कोई फ्लावर भी बोलता है। इसको चलाते रहेंगे। अभी मैं इसमें कैबेज डालूंगी, इसको भी चलाते रहेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अभी हम टमाटर डाल देते हैं। फ्लेम बड़ी कर रही हूँ, अभी अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको। अच्छे से और मीडियम फ्लेम पे हम इसको होने देंगे 5 मिनट। 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसमें मटर डालेंगे। फ्लेम हाई पे रखेंगे अभी और चलाते रहेंगे इसको ताकि सब्जी सारी भाजी अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हम इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे। तो 2 मिनट होने देंगे। 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे। अभी बटाटा डाल देंगे हम इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे अभी और इसमें 1 कप पानी डालेंगे और लो फ्लेम पे अभी लो कर देंगे फ्लेम और 10 मिनट के लिए इसको ढक के होने देंगे।
अच्छे से घुमा लेते हैं, सब मिक्स हो जाएगा मसाला। गैस लो फ्लेम पे है, 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, अभी गैस लो फ्लेम पे ही था, अभी हम इसको घुमाएंगे, चलाते रहेंगे। मम्मी अभी हम स्मैश करेंगे ना? हाँ। अभी हमारा ये स्मैश हो चुका है, अभी हम इसमें होल करेंगे, एक ऐसा होल कर देंगे इधर। अब मैं एक टेबलस्पून बटर डाल रही हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी ताकि बटर जले नहीं। एक टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, एक टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, फ्लेम को मैं अभी मीडियम कर दूंगी, मीडियम फ्लेम पे। अभी हम 1 टीस्पून रेड चिली पेस्ट डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करते रहेंगे। अभी हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अभी हम 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे और अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ, अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी अभी सारे मसाले को। कौन से फ्लेम पे रखा है मम्मा आपने? अभी ये हाई फ्लेम पे है, मैं इसको चलाते जा रही हूँ। अभी मैं इसको फिर से लो फ्लेम पे कर देती हूँ। अब स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ, मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें बीट का जूस डाल रही हूँ कलर के लिए। इसके डालने से पाव भाजी का टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। ओह, ये अच्छा अल्टरनेटिव है ना? हाँ, जो मार्केट में फूड कलर डालते हैं उसमें हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छे नहीं है, तो हम नेचुरल वे से ही कलर डालना चाहिए। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है पाव भाजी को, होटल जैसा लग रही है ना हमारी पाव भाजी, रेस्टोरेंट जैसी। हाँ मम्मा। अब हम इसमें और पानी डालेंगे, अब इसमें और थोड़ा सा, देखिए ठीक है बहुत, तो पानी डालूंगी। आपको जितना पानी डालना है कंसिस्टेंसी आप डिसाइड कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा चाहिए। मैं अभी फ्लेम बड़ी कर रही हूँ, ये 4 आदमी अच्छे से खा सकते हैं, इतनी पाव भाजी है ये। कूल। अभी हम 1/2 टेबलस्पून बटर डालेंगे और इसको थोड़ा सा ढक देंगे और होने देंगे। So now our pav bhaji is ready to serve. हमारी ये पाव भाजी रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।